हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रिक्सेटिव स्प्रे के बारे में। सो गाइस, इसके बारे में आपने काफ़ी जगह सुना होगा, काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा फ्रिक्सेटिव स्प्रे के बारे में, तो क्या काम है इसका। तो आज की इस वीडियो में गाइस कुछ स्पेशल है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो फ्रिक्सेटिव स्प्रे काफ़ी हेल्पफुल है। सो ट्विस्ट क्या है गाइस, मैं वीडियो की आखिरी में बताऊंगी, मतलब फ्रिक्सेटिव स्प्रे से रिलेटेड ही है। सो उसे देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आज हम बात कर रहे हैं फ्रिक्सेटिव स्प्रे के बारे में। सो ये हम लोग बेसिकली पेस्टल, चारकोल और पेंसिल के लिए यूज़ करते हैं, आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे। सो ये है वो बॉटल जो मिलती है, ये देखिए, तो ये है वो। सो ये मेरे पास ऐसी कुछ दो बॉटल्स हैं, मैंने अभी रिसेंट में ही ऑर्डर की। सो यहाँ पे दिया है वो पेस्टल, चारकोल एंड पेंसिल। सो चलो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, तो मैं शेडिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास यहाँ पर, गाइस ये है मेरे पास यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये है मेरे पास 8B पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, और ये है मेरे पास पेंसिल कलर्स। पेंसिल कलर्स तो गाइस उतना फैलते नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेस्टल कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो हम सब ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो चलो मैं पहले फटाफट से कुछ शेडिंग कर लेती हूँ। सो ये है मेरे पास सॉफ्ट पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, पेंसिल कलर, और गाइस जो मेरे पास अभी यहाँ पर है वो है पेस्टल्स। तो मैं पेस्टल्स आपको दिखा देती हूँ, वही बेसिक ऑयल पेस्टल जो हम लोग यूज़ करते हैं कैमलिन की, तो वही है मेरे पास यहाँ पर। सो ये कुछ 25 शेड्स मिलती हैं। सो मेरे पास ये है, इसकी 50 शेड्स भी मिलती हैं, लेकिन मेरे पास अभी 25 है। सिंपल ऑयल पेस्टल जो हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं, तो मैंने ये ले लिया है। सो इससे भी कर लूँगी मैं शेडिंग। उसके ऊपर लिखा तो था नहीं कि ये ऑयल पेस्टल के लिए है कि नहीं, तो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। सो पेस्टल तो दिया हुआ है, तो हो सकता ऑयल हो, मैं इसे बस आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये चारकोल है, काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड होती है, ये फैल जाती है, आपका स्केच ख़राब हो जाता है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट उतनी स्प्रेड नहीं होती लेकिन तब भी होती है, तो ये भी स्प्रेड होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इसे मैं लास्ट फिंगर से कर लेती हूँ। इसमें तो गाइस कुछ उतना स्प्रेडनेस आपको दिख नहीं रही, लेकिन हाँ चारकोल, ग्रेफाइट और इसमें तो आपको ज़रूर दिख रही होगी। तो ठीक है, अब मैं आपको फ्रिक्सेटिव स्प्रे का दिखा देती हूँ। तो फ्रिक्सेटिव स्प्रे का गाइस हेल्प यही होता है कि ये जो फैलता है वो फिर नहीं फैलेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर फ्रिक्सेटिव स्प्रे मारती हूँ थोड़ा सा। गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत फ्रिक्सेटिव स्प्रे मारा है, थोड़ा साइड में भी चला गया, कोई बात नहीं। ओके, ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है छोड़ो उसे। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा फ्रिक्सेटिव स्प्रे मार दूंगी इस तरफ, थोड़ा थोड़ा मार रही हूँ कि देखते हैं पेपर कहीं, मतलब पेपर को डैमेज नहीं होती। और तो अब बस इसे सूखने देना थोड़े देर के लिए, ऐसे होता है फिर बाद में आपका पेपर नॉर्मल हो जाता है। सो मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देती हूँ जिसमें मैंने फ्रिक्सेटिव स्प्रे मारा है, तो मेरे ड्राइंग को कुछ खास डैमेज तो हुआ नहीं है। सेकेंड गाइज, मैं आपको वो ड्राइंग दिखा देती हूँ। दोस्तों ये है वो स्केच, सो इसे मैं अभी रख रही हूँ साइड में और आपको दिखा दे रही हूँ। सो ये है वो स्केच सोनू सूद का जो मैंने किया था।
सो एग्जैक्टली यही है, सब देख पा रहे होंगे मेरा पेपर, मैं जेरोक्स पेपर नॉर्मल यूज़ करती हूँ सो इसलिए इसमें थोड़ा दिख रहा होगा। बाकी अब देखो यहाँ चारकोल अब फैल नहीं रहा बिल्कुल भी, ये तो पहले का, तो मैं दूसरे हाथ से करके दिखा देती हूँ आपको। सो ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा, ठीक है। तो ये पेपर भी सूख गया, तो इस पेपर को देख लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रिक्सेटिव स्प्रे मारा था वो टोटली क्लीन है, क्लीन, लेकिन जहाँ हमने नहीं मारा है वहाँ अभी भी फैल रहा है। ओके सो यही है फ्रिक्सेटिव स्प्रे का कमाल गाइस, ये आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा अमेज़न पे, तो आप अमेज़न से बाय कर सकते हो। सो ये आपको 200 रुपीज़ का एक मिल जाएगा, मैंने तो साथ में 3 बाय किए थे। जी हाँ गाइस, मैंने 3 बाय किए थे जो मुझे 750 के आसपास के पड़े थे। सो इसमें 200 ml होता है करीबन, 200 ml या वैसे ही कुछ, सो ये 200 ml होता है। तो यहाँ पे 250 दिखा रहा है लेकिन आपको 200 में मिल जाएगा ईजिली। दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की थी एक ट्विस्ट की, तो चलो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो ये है वो ट्विस्ट गाइस, इस फ्रिक्सेटिव स्प्रे को तो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी जगह इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक नया है, कुछ वार्निश करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मुझे दिखा ऑनलाइन, तो मैंने इसे परचेस किया देखने के लिए कि ये कैसा काम करता है। सो देख पा रहे होंगे कंपनी तो दोनों की सेम ही है, दोनों की कंपनी सेम है, लेकिन ये फिक्सेटिव स्प्रे और ये कुछ वार्निश स्प्रे ऐसे कुछ बोल सकते हैं। सो ये हम पेस्टल चारकोल और पेंसिल के यूज़ करते हैं, जबकि ये है फॉर ऑयल एंड एक्रेलिक। सो अगर आप एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग्स करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया इस वाले को। तो ये है ग्लॉस रिमूवेबल, ये भी गाइस 200 ml के आसपास मिल जाता है, 750 में मुझे ये तीनों पड़े। सो गाइस अब बात करते हैं एक्रेलिक के बारे में। सो मैं आपको एक्रेलिक कलर्स दिखा देती हूँ मेरे पास हैं। दोस्तों ये होता है एक्रेलिक कलर्स, तो ये मेरे पास 12 शेड्स हैं, कैमल के हैं आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स। सो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक में। सो मैं कुछ एक्रेलिक ड्राइंग मैंने की हुई हैं, सो मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी पहले की थी मैंने कैनवस पे। तो ये मेरे पास एक है जो मैंने कैनवस पे की थी, तब मैं यूट्यूब से देख के बना रही थी, तो ये मेरे पास है। सो ये तो काफ़ी फाइन है, काफ़ी पुराना वर्क है मेरा, तो अब तो ये एकदम क्लीन हो गया। पता नहीं इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं इसे स्टार्टिंग में ही अपने ड्राइंग के ऊपर नहीं डालूंगी गाइस, क्या पता कैसे इसका रिज़ल्ट और मेरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है यहाँ पर पहले थोड़ा सा डाल के देखूँगी। गाइस ये मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाला है, मुझे तो लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके टोटली मेरी ड्राइंग ठीक ही है, हाँ ठीक है। सो ये था वो ट्विस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। सो इसे आप यूज़ कर सकते हो ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक के लिए, तो मैं एक्रेलिक भी करती रहती हूँ इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। ये है ग्लॉस रिमूवेबल। सो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी इससे रिलेटेड, फ्रिक्सेटिव स्प्रे से रिलेटेड। सो सिर्फ फ्रिक्सेटिव स्प्रे नहीं बोल सकते, हमारे पास 2 टाइप के स्प्रेज हैं, एक से फ्रिक्सेटिव और दूसरा जो हमारे पास है वो है वार्निश स्प्रे। सो अगर आपको ये बाय करना है आप अमेज़न पे जाके चेक कर सकते हो। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में।